हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंचल और मेरे चैनल सीआर के रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी इंस्टेंट डिलीशियस पोटैटो करी की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए आलू मैंने आधा किलो लिए हैं और टमाटर मैंने इसके लिए दो मीडियम साइज़ के लिए हैं। अनियन मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है। गार्लिक क्लोव्स मैंने इसके लिए तीन लिए हैं। सो देखिए इस तरीके से आप मीडियम साइज़ के ले सकते हैं। आप चाहें तो एक टमाटर भी ले सकते हैं, पर टमाटर का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। सो दो लिए हैं मैंने और अब मैंने इनको चॉप करके रख लिया है और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। सो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। धनिया पाउडर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी और हल्दी पाउडर मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। लाल वाली तीखी मिर्ची जो होती है वो भी मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। गरम मसाला मैंने इसमें 1/4 यूज़ किया है। नमक मैं इसमें 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक या मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। सो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सो इसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है। कुकर में मैं 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। आप किसी भी तरीके का ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 पिंच मैंने इसमें हींग ऐड किया है और जीरा पाउडर मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून यूज़ किया है। और अब मैं इसमें गार्लिक जो मैंने चॉप करके रखा था वो ऐड कर दूँगी और अब मैंने इसमें अनियन भी डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लूँगी। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी प्याज का फ्लेवर जो है रेसिपी में बहुत टेस्टी आता है। सो देखिए इस तरीके से आप भून लें इसको और अब ये भून चुका है। अब मैं इसमें टमाटर जो मैंने पेस्ट बनाया था मसाले के साथ में वो भी मैं ऐड कर दूंगी और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। अब मैं थोड़ा इसको अच्छे तरीके से पका लूंगी जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। रेसिपी में जब मसाला अच्छे तरीके से पक जाता है तभी रेसिपी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और लोग आपकी वाहवाही करते हैं। सो अब मैं इसमें कसूरी मेथी 1/2 टेबल स्पून डाल दूंगी। कसूरी मेथी से जो रेसिपी का फ्लेवर है बहुत टेस्टी आता है, बहुत ही यम्मी आता है। और कसूरी मेथी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया रखती है। सो इस तरीके से आप इसको पका लें। अब मैंने जो आलू कट करके रखे थे पानी के अंदर वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब कुकर का लिड लगा कर मुझे इसको 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। फ्लेम ज़्यादा कम ना रखें, ज़्यादा हाई ना रखें, अदरवाइज आलू कच्चे रह जाएंगे या तो ज़्यादा गल जाएंगे। तो आलू ऐसे होने चाहिए कि दिखने में भी अच्छे लगे और वो गले भी हों। सो देखिए मेरी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनी है। खुशबू भी इसमें से बहुत लाजवाब सी आ रही है। सो इस तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं। इंस्टेंटली बन जाती है, सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। सो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्दी से, बहुत इजी तरीके से मैंने इसे बनाया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरी आज की रेसिपी बहुत ही इजी थी, बहुत ही सिंपल थी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इसे और मेरी ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपना ध्यान रखिए।